तकरीबन 8 से 9 महीना फूल आता है इसमें। नमस्कार दोस्तों, भोली निधि नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नाग चंपा के बारे में। आपने चंपा के बारे में तो बहुत सुना होगा, हम आपको बताएंगे आज नाग चंपा का पौधा। नाग चंपा के पौधे की अगर हम बात करें तो ये जो पत्ती होती है बिल्कुल कुछ इस तरीके से होती है जैसे नाग होता है ना, सेम टू सेम उसी तरीके से होता है, आप देख सकते हैं ये। और अगर हम इसके पौधे की बात करें तो ये तकरीबन जो अभी अपने पास में स्टॉक में है और इसकी हाइट है जो आप देख सकते हैं 7 फीट के हाइट में है। और अगर इसके हम फ्लावर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर कुछ इस तरीके से आता है और इस वाइट के अंदर थोड़ा सा येलो है और इसमें हल्की सी छोटी सी खुशबू आती है, नॉर्मल खुशबू होती है। और हम आपको बता दें जो इसमें कली आती है ये देख सकते हैं आप, कम से कम तकरीबन 5 से 6 कली आती है और एक डंडी में ही खाली 5 से 6 कली आती है और पूरे उसमें फूल होते हैं। और ये हम अगर फ्लावर्स की बात करें तो ये अप्रैल से लगा के फरवरी 10 से 15 फरवरी तक इसमें फ्लावर होता है, यानी तकरीबन 8 से 9 महीना फूल आता है इसमें, 9 महीने तक फूल आएगा। अगर हम इस पौधे की बात करें तो ये 12 मासी पौधा है जो कि परमानेंट चलता रहता है और देखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। हम आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो कहीं जमीन पे भी, अगर अपने जमीन में जगह है तो हम आप जमीन पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, हम आप अगर इसको कहीं पे लगा सकते हैं। और इसकी पत्ती बिल्कुल घनी होती है आप देख सकते हैं और इसमें बहुत सारी ब्रांचे निकलती है। हम अगर इनके फायदे की बात करते हैं तो इनके फायदा ये होता है नाग चंपा का कि जैसे त्वचा कटने फटने पे कहीं घाव हो गया है तो ये घाव को बहुत जल्दी कवर करता है, भरने में काफी मदद करता है ये। दूसरा इसका फायदा ये होता है जैसे कहीं पे घाव चोट लगी हुई है उस जगह पे दर्द वगैरह हो रहा है तो इसमें तेल होता है, उस तेल को यूज किया जाता है, इससे क्या होता है दर्द जो होती है ना वो खत्म हो जाती है। दूसरा फायदा तो ये रहा। तीसरा फायदा यह रहा जैसे कहीं पे सूजन हो, सूजन को कम करने के लिए भी इसका तेल का उपयोग किया जाता है। चौथा इसका ये यूज लिया जाता है जैसे कान में दर्द हो, सिर दर्द हो या फिर जैसे खांसी। इसके अलावा औषधि गुणों में भी इसके कई फायदे। अब मैं आपको बताऊंगा इसको उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें आपको इसकी जो कोपल होती है ये हमें आपको कोपल ले लेनी है, इस कोपल को अच्छे से पीस लेनी है। पीसने के बाद इसको बढ़िया पानी में मिला के इसको अच्छे से छान लेना है, जो इसकी पत्ती होगी वो पत्ती पूरी निकाल लेनी है, उसके बाद जो इसका पानी होगा वो आप जो है इसका यूज में ले सकते हैं। बाकी के अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।